नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम इकाई 4 पिठो द्वारा के अमर सपूतों काव्य जो है उसका प्रकार है समूह गान, उसका अभ्यास और स्वाध्याय हम देखेंगे। अभ्यास में प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। यहाँ जो काव्य पंक्ति दी गई है उसका भावार्थ लिखना है, क्या आशय है इसमें। तो युग 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 के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। इस पंक्ति में कवि माहेश्वरी जी कहना चाहते हैं कि हे भारत भूमि के अमर सपूतो, तुमने इस देश को आज़ाद करने के लिए बहुत ही संघर्ष किया है और अंत में तुम्हें सफलता भी मिली है, विजय भी प्राप्त हुई है। सचमुच तुम भारत माता के सपूतों हो, लेकिन अभी तुम्हें बहुत कुछ करना बाकी है। युगों युगों से पराधीनता में रहते हुए यहाँ के देशवासियों के हृदय में निराशा भर चुकी है। तुम्हें इस निराशा को दूर करना है और उनके अंदर नई आशा जगानी है। पराधीनता के दरमियान यहाँ जो बर्बादी हुई है उसे दूर कर हर क्षेत्र में नया निर्माण करना है। इस प्रकार इस पंक्ति का आशय आपको स्पष्ट करना है। कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है? मित्रों, कवि माहेश्वरी जी ने देश के सपूतों को यह संदेश दिया है कि देश स्वतंत्र हो चुका है, अब तुम्हें देश का नवनिर्माण करना है। स्वतंत्रता का लाभ प्रत्येक जन को पहुंचाना है। प्रत्येक देशवासी तुमसे बड़ी आशाएं रखते हैं, तुम्हें उन्हें निराश नहीं करना है। तुम्हें लोगों में नए प्राण फूंकने हैं, विकास के नए रास्ते खोजकर तुम्हें देश का पिछड़ापन दूर करना है। इस प्रकार कवि ने देश के सपूतों को संदेश दिया है कि वे देश को एक नए युग में ले जाए। प्रश्न 3, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है, उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? मित्रों, पहले यहाँ हमारी राष्ट्रीय संपत्ति जो है उसके नाम लिख रहे हैं, बाद में उसकी सुरक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं यह बताना है। तो पहले हम देख लें कि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है रेलगाड़ियाँ, रेलवे स्टेशन, राष्ट्रीय राजमार्ग, नदियाँ, अभ्यारण्य, पुरातत्व संबंधी सारी संपत्ति हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। इन राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। हम रेल संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं, राजमार्गों की मरम्मत के लिए सरकार को अपील करें, हम लोगों को पानी का महत्व समझाएं, वे लोग पानी का व्यय न करें यह उन्हें याद दिलाएं, सरकार द्वारा संरक्षित इमारतों को नुकसान न पहुंचाएं, पुरातत्व विभाग को हम सूचित करें, अभ्यारण्यों में रक्षित पशुओं का शिकार होते देखकर हम उससे संबंधित अधिकारियों को सावधान करें। इस प्रकार हम राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं। स्वाध्याय, स्वाध्याय में प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ जो प्रश्न दिए गए हमें उत्तर लिखने हैं। नंबर 1, कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं? तो कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से चाहते हैं कि सदियों तक गुलामी में रहने के बाद हमारा देश स्वतंत्र हुआ है। कवि चाहते हैं कि देश के प्रत्येक युवक स्वतंत्रता के जीवन में नया उत्साह प्राप्त करें, उनमें नए प्राणों का संचार हो, युग युग के मुरझाए हुए फूलों में नई नई मुस्कान भरे, अपनी मंगलमय वाणी से संसार की उद्यान को गुंजित करें, वे तरह तरह का ज्ञान प्राप्त कर देश का भविष्य उज्जवल बनाए। इस प्रकार कवि धरा के अमर सपूतों से अनेक आशाएं रखते हैं। कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं? कवि माहेश्वरी जी चाहते हैं कि दिलों के फूल स्वतंत्रता के प्रकाश में खिलते हैं। हमारा देश सदियों तक गुलामी के अंधेरे में रहा है,
विदेशी शासक यहाँ के लोगों पर अत्याचार करते रहे, अन्याय और तरह तरह का शोषण सहते सहते लोग अपना स्वाभिमान खो बैठे हैं। वे लोग जीना भूल चुके हैं, उनके दिलों में उदासी छा गई है। कवि की इच्छा है कि ऐसे मुर्दा दिलों में फिर से नए जीवन का संचार हो। इस प्रकार कवि युग युग से लोगों के मुरझाए हुए हृदय सुमनों पर नई मुस्कान देखना चाहते हैं। प्रश्न 3, देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? मित्रों, यहाँ हमें देश के नवनिर्माण के लिए हम क्या करना चाहेंगे यह लिखना है। तो देश के नवनिर्माण का कार्य करना मैं अपना प्रथम कर्तव्य समझती हूँ। इसके लिए मैं अपने मोहल्ले में एक मित्र मंडल की स्थापना करना चाहूँगी। मित्र मंडल के माध्यम से मैं हमारे मोहल्ले में जो अनपढ़ लोग हैं उसके लिए साक्षरता का प्रसार करूँगी। जो निर्धन परिवार हैं विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों मुफ्त में मिले ऐसा आयोजन करूँगी। हम अपने मोहल्ले में एक वाचनालय खोलेंगे, यहाँ बैठकर लोग अखबार पढ़ सकेंगे। मंडल की तरफ से वृक्षारोपण किया जाए ऐसा आयोजन करूँगी और समय समय पर आरोग्य शिविर लगाए जाएंगे। इस तरह हम देश के नवनिर्माण में आयोजन करना चाहेंगे। इस कविता में कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे? इस कविता में ऐसी कौन सी बातें हैं? कविता हमने अच्छी तरह से सुनी है, उसका भावार्थ भी आपने अच्छी तरह से समझा है, तो इसी के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। मैं इस काव्य में से निम्नलिखित बातें जीवन में उतारना चाहूँगी। 1, कि मैं अपने देशवासियों से प्रेम करूँगी। मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए जीना चाहूँगी। मैं सारे देशवासियों को अपना मानूँगी। मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूँगी, पढ़ लिख कर अपने देश में अपने ज्ञान का उपयोग करूँगी। मैं चाहूँगी कि मेरी योग्यता का लाभ पूरे देश को मिले। मैं ऐसे काम करना चाहूँगी जिनसे देश का गौरव बढ़े। मैं देश की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं हटूँगी। यहाँ देखिए प्रश्न 2, दिए गए काव्य को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस काव्य को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी में, डटे रहो तुम अपने पथ पर कठिनाई तूफानों में। टिगो ना अपने पथ से, तुम तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे। तुम भी ऊंचे उड़ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अटल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मेरी सफलता उसको जग में जीने में मर जाने में। जितनी भी बाधाएं आए उन सब से ही लड़ा हिमालय, इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। प्रश्न, इन प्रश्नों के उत्तर हमें इस काव्य के आधार से लिखने हैं। प्रश्न 1, हिमालय हमें क्या संदेश देता है? तो हिमालय हमें संदेश देता है कि हम अपने निश्चित मार्ग पर से कभी न डटे, यानी कि कभी हटे नहीं। यदि हम अपने प्राण और पद पर अडग रहेंगे तो हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी, यहाँ तक कि हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए? मुसीबत आने पर हमें घबराना नहीं चाहिए और घबराकर अपना प्राण और पद नहीं छोड़ना चाहिए। प्रश्न 3, कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा है? हिमालय ने सभी बाधाओं का डटकर सामना किया है, वह हर कठिनाई से लड़ा है, वह कभी अपने पथ से डिगा नहीं है, इसीलिए कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा कहा है। इस कवि का भावार्थ क्या है? इस कवि का भावार्थ यह है कि जीवन में अनेक बाधाएं और कठिनाइयां आती हैं, हमें उन बाधाएं और कठिनाइयों का
निडरता से, हिम्मत से सामना करना चाहिए। जो मुसीबतों से बिना घबराएं अपने प्राण और पथ पर आगे बढ़ता है, वे असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं। यही बात इस काव्य में हमें समझाई गई है। इस काव्य को योग्य शीर्षक दीजिए। हमें इस काव्य को योग्य शीर्षक देना है, तो यह काव्य जो है वह हिमालय पर है, इसीलिए हिमालय का संदेश यह शीर्षक हम दे सकते हैं। प्रश्न 3, चित्र के आधार पर कविता लिखिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का उपयोग हुआ हो। मित्रों, हमें ऐसी काव्य रचना करनी है चित्र पर से कि सारे शब्द काव्य में हमें मिले। तो इस काव्य में वृक्ष हैं, बादल हैं, बराबर तितली हैं, फूल हैं, और ये सारे शब्द यहाँ पर हैं। तो किस तरह हम काव्य की रचना करें, तो यहाँ से शुरू करें। बादल बरस रहे हैं, तो धीरे धीरे बादल बरसे, फुलवारी में फूल खिलते हैं, फिर तितली के पंख खुले हैं, वृक्षों ने नव जीवन पाया, बारिश ने है रंग जमाया, कोई न अब पानी को तरसे, धीरे धीरे बादल बरसे। इस प्रकार काव्य की रचना करनी है। प्रश्न 4, अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। जो काव्य अधूरा है उसे हमें पूर्ण करना है, तो किस तरह इस काव्य को पूर्ण करें। माँ खादी की चद्दर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा, घड़ी कमर में मैं लटका लूं, आंखों को चश्मा पहना दूं, माँ छोटी सी लाठी दे दो, ठक ठक करता जाऊंगा, सत्य अहिंसा के पथ पर मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, माँ खादी की चद्दर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा। इस प्रकार आपको यहाँ काव्य लिखना है। पूरा स्वाध्याय अभ्यास अच्छी तरह से सुनिए और फिर अपने कॉपी में लिख लीजिए। जय महाराज।